सैमसंग J6 J8 में डाउनलोड मोड लाने के लिए दिक्कत रहती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड मोड लाने के लिए एक का डाटा केबल चाहिए इसके लिए, और एक मोबाइल के साथ पीसी कनेक्ट, पीसी में एक डाटा केबल कनेक्ट होना चाहिए, और एक डाटा केबल पीसी में कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। और ये मोबाइल को ऑफ करना पड़ेगा, ये मोबाइल को भी ऑफ कर दिया है इसको। ये डाउनलोड मोड जाने के लिए इसका पहले के होम बटन प्लस माइनस प्लस पावर बटन डाउन बटन, इसका होम बटन नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक डाटा केबल पीसी में कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, और क्या इसको प्लस माइनस और एक ही साथ में दबा देने का, और बस इसको कनेक्ट कर देना। चला गया डाउनलोड मोड में, तो चला गया। अब हम इसके क्या कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम डाउन की प्लस पावर की मोर 7 सेकंड, ये बोल रहा है वॉल्यूम डाउन, और इसको 7 सेकंड तक इसको खींचना पड़ेगा। हाँ, ये चला गया। और इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो गई इसका डाउनलोड मोड जाने के लिए तरीका, और इसका हार्ड रीसेट करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए मैं भी बता देता हूँ, रुकिए। इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ देखिए एक लग गया। आपको क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ करने के लिए भी दिक्कत रहती है। अब ये ऑफ नहीं होगा, देखिए ये ऑफ नहीं होगा, ये मांगेगा ये मेरे पास नहीं है। इसका ऑफ करने के लिए वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक ही साथ में दबा देने का, तीन चारों। हाँ, ये ऑफ भी हो गया। और इसको क्या करना पड़ेगा, अब हार्ड रीसेट करने के लिए पावर बटन और ये बटन है ना, एक ही साथ दबा देने का। ऑन हो गई, वेट करते हैं, इसको ऑफ करते हैं पहले। इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक नहीं। देखिए ये पावर बटन और ये बल्ब, ये और ये छाड़ देने का है।